इस वीडियो हम सीखेंगे श्रमिक विभाग राजस्थान मजदूर डायरी का आप रिन्यूअल पेमेंट है वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 साल का बताया है और यहाँ 407 रुपये बताया है। तो ये आपके जितना भी आप रिन्यूअल करोगे, अगर साल कम है या ज्यादा है उस हिसाब से आपका पेमेंट है, ये कम ज्यादा होता रहेगा। जो मैं पेमेंट करूंगा वो 407 रुपये का पेमेंट होगा। तो सबसे पहले आपको मजदूर डायरी का पेमेंट करने के लिए आपको ई मित्र पोर्टल है उसको लॉगिन कर देना है। अगर आप श्रमिक हो, श्रमिक देख रहे हो, तो ई मित्र से आपको करवाना होगा। तो ई मित्र से श्रमिक डायरी का रिन्यूअल पेमेंट करने के लिए सबसे पहले यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ सर्च करना है लेबर, LABOUR, लेबर आप सर्च करोगे। उसके बाद में यहाँ पर लेबर की पूरी सर्विसें आ जाती है, इसको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर क्लिक करना है लेबर पेमेंट फॉर रिन्यूअल बेनिफिशरी। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, बाहर क्लिक करते हैं, ओके कर लेते हैं। उसके बाद में हमारा लेबर का पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर रिन्यूअल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको बेनिफिशरी रिन्यूअल सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो इतना काम करने से पहले आपको जो मजदूर डायरी होती है उसको रिन्यूअल के लिए ई मित्र से अप्लाई करना होता है। उसके बाद में विभाग से अप्रूव कर दिया जाता है, उसके बाद में आपको पेमेंट करना होता है। तो ई मित्र से रिन्यूअल के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए हमारे जसोल ई मित्र चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर आप प्ले लिस्ट के अंदर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद में यहाँ पर लेबर कार्ड लिखा हुआ है, व्यू प्ले लिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सर्विस डायरी रिन्यू कैसे करें, इस वीडियो को आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि आप ई मित्र से सर्विस डायरी को रिन्यू करने के लिए कैसे अप्लाई करोगे। तो ये वीडियो आप देख के समझने के बाद में आपको पेमेंट करना है, तो वो पेमेंट इस तरीके से करना है जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है बेनिफिशरी का, तो यहाँ पर मैं नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम शो हो जाएगा और यहाँ पर पेमेंट भी शो हो जाएगा कि कितना पेमेंट ये करना है। तो ये पेमेंट उस हिसाब से होता है जितना आपका रिन्यूअल पेंडिंग है, कितने साल से पेंडिंग है और आगे आप कितने साल के लिए करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर होम पे क्लिक करता हूँ, इस बेनिफिशियरी का आपको बता देता हूँ कि ये मैंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया था, ये अप्रूव हो गया है और अब रिन्यूअल के लिए पेंडिंग पेमेंट है वो पेंडिंग के लिए रखा गया है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है या फिर आप यहाँ पर जैसे ही माउस लाओगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम आ जाएगा और यहाँ पर वैलिडिटी आ जाएगा। यहाँ पर मैंने 60 मंथ के लिए किया है और यहाँ पर पेमेंट आ जाएगा कितना पेमेंट करना है। यहाँ पर बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर, यहाँ पर वमस आईडी और यहाँ पर पूरी यहाँ पर रिन्यूअल पेमेंट रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके बाद में अपन वापस होम पे क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, चेक करने के बाद में आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैं वापस यहाँ से ई मित्र पर बैक करूंगा, बैक टू ई मित्र पे क्लिक करता हूँ। वापस यहाँ पर मैं लेबर को सर्च करता हूँ। वापस यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके कर लेता हूँ। तो ये वापस लेबर का पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका जो आपने अप्लाई किया था रिन्यूअल के लिए वो अप्रूव हुआ या नहीं हुआ और पेमेंट कितना करना है उसको आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर वापस रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में सबमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका बेनिफिशियरी नाम और अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और ये सर्विस डायरी का पेमेंट है वो लेबर डिपार्टमेंट के अंदर चला जाएगा और सर्विस डायरी की वैलिडिटी है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ पर कोई भी आप अगर फीडबैक देना चाहते हो तो यहाँ पर फीडबैक लिख सकते हो और यहाँ पर सबमिट योर फीडबैक पे क्लिक कर सकते हो। और अगर आप इस रसीद को प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करके रसीद को प्रिंट भी कर सकते हो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको लेबर डायरी का पेमेंट करने के बाद में लेबर डायरी की वैलिडिटी कैसे चेक करनी है। तो यहाँ पर मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ लेबर। तो मैंने यहाँ पर लेबर सर्च कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो लेबर डॉट राजस्थान डॉट जी ओ वी डॉट
इन पोर्टल है, इस पे मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर पॉपअप आ रहा है, उसको मैंने हटा दिया है। अब आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी का जो डायरी होती है उस डायरी का नंबर आपको यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो भी पॉपअप आपको दिखाई दे उसको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम आ गया है और यहाँ पर वैलिड अप टू लिखा हुआ आ गया है कि कितने साल तक, कितने तारीख तक ये वैलिड हो गई है। तो इस प्रकार से आप अपना ई मित्र के द्वारा लेबर डायरी का पेमेंट है वो कर सकते हैं और वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।